तो आप लोगों की बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेशन आ रही थी कि मैं उन सभी टाइटंस की एक लिस्ट बनाऊं जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम उन टॉप 10 पावरफुल टाइटंस के बारे में बात करेंगे जो अब तक मॉन्स्टरवर्स के अंदर देख चुके हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि हम मॉन्स्टरवर्स, बेन 10, अटैक ऑन टाइटन जैसी ऑसम सीरीज पर ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं, और सब्सक्राइब कर लेने से ऐसी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अपनी इस टॉप 10 की लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात मेंशन करना चाहता हूँ कि मैंने इस लिस्ट में उन टाइटंस को इंक्लूड नहीं किया है जो कि मॉन्स्टरवर्स की सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक अपीयर नहीं हुए हैं, और ना ही उनको इंक्लूड किया है जो कि मशीन है। इसका मतलब इस लिस्ट में आपको मेका गॉडज़िला, मेका किंग गिडोरा, स्पेस गॉडज़िला, डिस्ट्रोया और म्यूटो प्राइम में से कोई भी कैरेक्टर नहीं दिखने वाला, क्योंकि इनमें से कोई भी कैरेक्टर अभी तक मॉन्स्टरवर्स के सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपीयर नहीं हुआ है या फिर ये मशीन है। तो चलिए आज की इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, स्किला। स्किला बेसिकली एक जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर है जिसके कई लंबे लंबे पैर हैं और इसके मुंह पर वियर्ड से दिखने वाले टेंटेकल्स हैं। इसके बारे में अभी तक ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है। मॉन्स्टरवर्स में ये सबसे पहले अपीयर हुई थी गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में, जहां गिडोरा की अल्फा कॉल से ये एरिजोना में जाग गई थी और जागकर बाहर आ गई थी। बाहर आते ही इसने सबसे पहले ऑयल प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय किया और बाद में बहुत सी बिल्डिंग्स को। लेकिन इसके बाद हम सभी ने देखा कि इसने भी सभी टाइटंस की तरह गॉडज़िला को अल्फा किंग माना और उसके सामने बो डाउन किया। नंबर 9, वॉरबैट। तो वॉरबैट्स बेसिकली फ्लाइंग स्नेक मॉन्स्टर्स हैं जो कि होल अर्थ में रहते हैं। वॉरबैट्स को नोजुकी के नाम से भी जाना जाता है, और पहले इनका नाम नोजुकी ही था, पर छोटे बच्चों के लिए इसका नाम याद रख पाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए टॉय कंपनीज ने इसका नाम नोजुकी से बदलकर वॉरबैट रख दिया। ये मॉन्स्टर बेहद ही अग्रेसिव है और होलो अर्थ के अंदर कॉन्ग से फाइट के दौरान एक पल के लिए कॉन्ग पर भारी भी पड़ गए थे। नंबर 8, बहमोथ। तो बिल्कुल कॉन्ग की तरह बहमोथ भी इकलौता ऐसा टाइटन है जो कि एक मैमल है, और इनके अलावा देखा जाए तो ज्यादातर टाइटन्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स हैं। बहमोथ बेसिकली एक मैमथ और प्री हिस्टोरिक स्लोथ का मिक्सचर है जिसके पास मैमथ जैसे दो लंबे दांत भी है, बट इसके आगे के दोनों पैर पीछे के पैरों से लंबे हैं, इसीलिए ये वॉक करते वक्त एक गोरिले जैसा लगता है। स्पाइडर मॉन्स्टर की तरह ही ये भी गिडोरा की अल्फा कॉल से जागा था, और एट द एंड इसने भी गॉडज़िला को अपना किंग माना था। नंबर 7, मेथुसेला। तो मेथुसेला बेसिकली एक एनिमल, रॉक और एक प्लांट का जोड़ है जो कि देखने से एक टाइटन कम और पहाड़ ज्यादा लगता है, यानी कि एनिमल, रॉक और प्लांट को एक साथ मिलाएं और मेथुसेला पाएं। तो बहुत साल पहले मेथुसेला ने अपने हाइबरनेशन के लिए जर्मनी के एक पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और सालों साल से वही सो रहा था। इतने सालों में इसके ऊपर जंगल तक ग्रो हो गया था, और इसे तब तक एक माउंटेन ही समझा जा रहा था जब तक कि गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में ये गिडोरा की अल्फा कॉल से जागा नहीं था, इसीलिए मेथुसेला को एक जीता जागता पहाड़ कहना भी गलत नहीं होगा। नंबर 6, रोडान। तो हमारी लिस्ट का अगला टाइटन है रोडान, जिसे हम द फायर डीमन के नाम से भी जानते हैं। रोडान एक ऐसा जायंट बीस्ट है जिसके विंग्स से लावा निकलता है। गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में रोडान इसला डिमारा वोल्केनो के अंदर था, और जैसे ही वो जागा, अपने जागने के साथ ही इसने टाउन के अंदर डिस्ट्रक्शन मचाना स्टार्ट कर दिया, और बाद में किंग गिडोरा से लड़ने चला गया। और ना सिर्फ रोडान गिडोरा से हारा बल्कि उसके बाद मोथरा से भी हारा। नंबर 5, मोथरा। तो जैसे गॉडज़िला सभी मॉन्स्टर्स का किंग है, वैसे ही मोथरा सभी मॉन्स्टर्स की क्वीन है। दूसरे टाइटंस की तरह मोथरा एग्रेसिव नहीं है, और ये ह्यूमंस के साथ काफी फ्रेंडली भी दिखी थी। शायद इससे आपको कॉन्ग की याद आ रही हो, क्योंकि ह्यूमंस के साथ कॉन्ग का बॉन्ड भी काफी स्ट्रांग है। गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में मोथरा ने रोडान का सामना किया था और उसे हराया था। वैसे पर्सनली रोडान मुझे मोथरा से ज्यादा पावरफुल लगा था, क्योंकि मोथरा से फाइट करने से पहले रोडान गिडोरा से भी लड़ा था और उसकी ग्रेविटी बीम को फुल पावर में भी झेल चुका था, जिसके बाद जाकर रोडान ने मोथरा से फाइट की थी, और उस फाइट में भी रोडान मोथरा से ओवर पावर दिखा था। पर कहते हैं ना, कौन कितना पावरफुल है ये मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ यही करता है कि कौन जीता है। नंबर 4, म्यूटोज। म्यूटो स्पीसीज के अंदर टोटल 4 म्यूटोज हैं, बट हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जो हमें मूवीज में दिखे हैं, यानी मेल म्यूटो एंड फीमेल म्यूटो। मेल एंड फीमेल म्यूटो गॉडज़िला 2014 में गॉडज़िला के लिए मेन थ्रेट थे, जिसमें से एक को गॉडज़िला ने खत्म कर दिया था और दूसरे ने गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में गॉडज़िला के सामने बो डाउन करके उसे अपना किंग माना था। वैसे हमने क्वीन म्यूटो और म्यूटो प्राइम को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो अभी तक मॉन्स्टरवर्स के अंदर नहीं दिखाए गए हैं, और अगर मैं उन्हें इंक्लूड करता तो म्यूटो स्पीसीज इस लिस्ट में और भी ज्यादा ऊपर आ जाती। नंबर 3, कॉन्ग। तो बिल्कुल गॉडज़िला की तरह कॉन्ग भी एक अल्फा टाइटन है जो कि अदर टाइटन
के ऊपर रूल करने के कैपेबल है। कॉन्ग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और कॉन्ग इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये स्कल क्रॉलर्स और वॉरबेड जैसे मॉन्स्टर्स को बड़े आराम से हरा सकता है। इनके अलावा कॉन्ग गॉडजिला से भी सीधी टक्कर ले चुका है और उस पर भारी भी पड़ चुका है। कॉन्ग सबसे स्मार्टेस्ट कैजू है और कॉन्ग ही इकलौता सा टाइटन है जिसके पास एक वेपन भी है, उसका बैटल एक्स। कॉन्ग अपने वेपन को यूज भी करना जानता है और उससे लड़ना भी जानता है, जो कि इसकी स्मार्टनेस को प्रूव करती है। नंबर टू, किंग गिडोरा। तो अब तक गिडोरा ही ऐसा इकलौता काइजू है जो कि आउटर स्पेस से आया है, यानी कि गिडोरा का प्लैनेट अर्थ से कोई भी रिलेशन नहीं है। गिडोरा इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने गॉडजिला को अल्फा टाइटन के टाइटल के लिए सीधी टक्कर दी है। साथ ही ये ग्रेविटी बीम्स लॉन्च कर सकता है और इसका हीलिंग फैक्टर भी इतना ज्यादा शानदार है कि अगर इसकी बॉडी के किसी पार्ट को काटकर अलग भी कर दिया जाए तो भी ये उसे बड़ी जल्दी हील कर सकता है। गिडोरा की पावर्स को आप इसी बात से जान सकते हैं कि उसे हराने के लिए गॉडजिला को भी बर्निंग फॉर्म में आना पड़ा था। नंबर वन, गॉडजिला। तो नंबर वन की पोजीशन को गॉडजिला होल्ड करता है क्योंकि ना सिर्फ सभी मॉन्स्टर्स का किंग है बल्कि इस प्लेनेट का ट्रू अल्फा टाइटन भी है। गॉडजिला अब तक बहुत से टाइटन से लड़ा है, कई फाइट्स में कमजोर भी पड़ा है, पर हर बार उसने कम बैक किया है और एट द एंड हर बार जीता है। गॉडजिला गिडोरा और कॉन्ग जैसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को भी हरा चुका है और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा टाइटन होगा जो गॉडजिला के बर्निंग फॉर्म के आगे टिक पाए। इसीलिए गॉडजिला ही सब में सुप्रीम है और इस पोजीशन को ट्रूली डिजर्व करता है। तो यही हमारी टॉप 10 पावरफुल टाइटन्स ऑफ मॉन्स्टरवर्स की लिस्ट थी। आपको ये लिस्ट कैसी लगी और आप हमारी इस लिस्ट से एग्री करते हैं या नहीं, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपकी भी कोई लिस्ट है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो हमने आपके रिकमेंडेशन पर बनाई है और इसके अलावा आपके और भी कुछ रिकमेंडेशन है जिन पर भी जल्दी वीडियोस आने वाली है। बेशक थोड़ा वक्त लग सकता है पर फिर भी मैं वीडियोस को जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।